हाय बच्चों कैसे आप लोग चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करें आपकी साधारण मापनी मैं आपको स्केल की डेफिनेशन बताई थी कितने टाइप्स की आपकी स्केल होती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या होती है वो इससे पहले लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अगर अभी तक आपने वो वॉच नहीं किया है तो उसको देखिए वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी आपके सलेबस में दो स्केल है एक साधारण मापनी यानी कि प्लेन स्केल या सिंपल स्केल भी हम इसको बोलते हैं एक डायग्नल स्केल ठीक है जिसको हम विकर्ण मापनी बोलते हैं ठीक है तो आज हम आपकी स्टार्ट करेंगे साधारण मापनी यानी कि प्लेन स्केल इसको हम सिंपल स्केल भी बोलते हैं कहीं कहीं पर आपको सिंपल स्केल भी देखने को मिलेगा तो सबसे पहले इसकी समझते हैं डेफिनेशन और फिर इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम आपको बताएंगे कि ये साधारण मापनी कैसे है ठीक है देखो साधारण मापनी मुख्यतः दो इकाइयों साधारण मापनी मुख्यतः दो इकाइयों या एक इकाई या उसके एक भाग को प्रदर्शित करती है यानी कि एक इकाई और उसके सब डिविजन्स को यानी कि वन यूनिट और वन यूनिट के सब डिविजन को प्रदर्शित करती है यानी कि एक इकाई और इकाई के दसवें भाग को प्रदर्शित करती है सबसे मेन चीज क्या है कि इकाई के दसवें भाग को प्रदर्शित करती है इकाई और इकाई के दसवें भाग को प्रदर्शित करती है यानी कि दो इकाइयों को प्रदर्शित किया जाता है साधारण मापनी में ठीक है मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूं कि इसमें दो इकाइयों को प्रदर्शित किया जाता है इकाई और इकाई के दसवें भाग को यानी कि इकाई और उसके एक भाग को एक भाग क्या होता है उसका भाग ठीक तो यही डेफिनेशन होती है साधारण मापनी की अब कैसे होती है वो चीज हम आपको बताएंगे है? तो सबसे पहले को देख लेते हैं प्लेन स्केल प्लेन स्केल क्या होती है यह मापनी मुख्य रूप से दो इकाइयों कैसी दो इकाइयों टू यूनिट्स या एक इकाई या उसके एक उसके भाग को प्रदर्शित करती है कैसे मीटर और डेसीमीटर ठीक है इकाई का मीटर का दसवा भाग क्या होता है डेसीमीटर सेंटीमीटर एम सेंटीमीटर का दसवा भाग क्या होता है एम ठीक है किलोमीटर हेक्टोमीटर एक किलोमीटर का दसवा भाग क्या होता है दस हेक्टोमीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर कैसे अब इसको भी समझते हैं हम देखो एक आपको याद रख लेना है फॉर्मूला एक फॉर्मूला है ठीक है के एच कैपिटल में लिखना है डी एम ये सब कैपिटल में लिखना है डी एम के एच डी एम डी सी एम ये स्मॉल में लिखना है ठीक है के एच डी एम के एच डी एम डी सी एम ठीक है के फोर होता है किलोमीटर किलोमीटर एच फोर होता है हेक्टोमीटर हैक्टोमीटर डी फोर होता है डे का मीटर और एम फोर होता है आपका मीटर स्मॉल डी होता है आपका डे सी मीटर डेसी मीटर ठीक है स्मॉल सी होता है आपका सेंटीमीटर क्या होता है सेंटी मीटर और स्मॉल एम होता है आपका मिली मीटर ठीक है अब हम यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं एक मीटर में मीटर का दसवा भाग इकाई और उसके भाग भाग को को प्रदर्शित प्रदर्शित करती करती है। है। साधारण में हमने क्या बताया? इकाई इकाई और एकाई के मीटर तो 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 कितने होते है? दस तो आप बोल सकते हैं वन मीटर इज टू टेन डेसी मीटर डेसी मीटर अब देखो सेंटीमीटर और एमएम सेंटीमीटर क्या है ये सेंटीमीटर है सेंटीमीटर के सामने वन लगाओ और एमएम तक जीरो लगा लगाइए तो आपको क्या पता लगता है कि वन सेंटीमीटर इज इजकल टू टैन एम एम आपको क्या पता लगता है वन सेंटीमीटर इज इजकल टू टेन एम एम वन सेंटीमीटर में कितने होते हैं टेन एम एम होते हैं ऐसे ही किलोमीटर और हेक्टोमीटर के बारे में देखते हैं वन किलोमीटर वन लगाओ हेक्टोमीटर तक जीरो लेकर जाइए जीरो तो आपको क्या पता लगा वन किलोमीटर में दस हेक्टोमीटर होते हैं वन किलोमीटर इजकल टू टेन हेक्टोमीटर। ठीक है ऐसे ही आपका डेसीमीटर और सेंटीमीटर डेसीमीटर और सेंटीमीटर ये डेसीमीटर है डेसीमीटर पर वन लगाओ और सेंटीमीटर तक जीरो तो एक डेसीमीटर में वन डेसी मीटर में क्या होते हैं दस सेंटीमीटर होते हैं दस सेंटीमीटर होते हैं ऐसे ही आपको नॉर्मली पता है एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं एक हजार मीटर होते हैं एक किलोमीटर में कितने मीटर होते है? एक हजार मीटर होते हैं तो देखो कैसे करेंगे आप कैसे निकालेंगे किलोमीटर के आगे वन लगाइए और मीटर तक जीरो लेकर जाइए यहां पर जीरो यहां पर भी जीरो और मीटर तक यहां पर भी जीरो so, तो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं एक हजार डायरेक्ट निकाल सकते हो आप अब आप निकाल सकते हो वन किलोमीटर इज इक्वल टू एक हजार मीटर ठीक है आप जानते हो वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर होतेमीड तो इसके आगे आप वन लगाइए तो एक मीटर में एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं ठीक है तो यहां पर ये चीजें भी आप निकाल सकते हो ठीक अब देखो यहां से आपका क्या पता लगता है यहां से आपको पता लगता है कि हम इकाई साधारण मापनी में दो इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं मीटर और डेसीमीटर यानी कि एक इकाई और इकाई के दसवें भाग को मैं क्या बता रहा हूं साधारण मापनी में हम क्या निकालते हैं साधारण मापनी साधारण मापनी में हम क्या निकालते हैं एक इकाई और उसका दसवा भाग दसवा दस्य भाग दसवें भाग को प्रदर्शित करते हैं यानी कि एक मीटर में दस डेसीमीटर होते हैं एक सेंटीमीटर में दस एमएम होते हैं, एक किलोमीटर में दस एक्टा मीटर होते हैं। एक डेसीमीटर में दस सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है तो यहां से आपको पता लगता है कि साधारण मापनी हम इकाई और इकाई के दसवें भाग को प्रदर्शित करते हैं यानी कि दो यूनिट्स को प्रदर्शित करते है दो इकाई एक इकाई ये है और दूसरी इकाई ये है, इकाई ये है एक इकाई ये है और दूसरी इकाई ये है एक इकाई ये है और दूसरी इकाई ये है एक इकाई ये है और दूसरी इकाई ये यानी कि दो इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं और एक इकाई के दसवें भाग को प्रदर्शित करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं साधारण मापनी बोलते हैं क्या बोलते हैं साधारण मापनी ठीक अब देखो हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हमने क्वेश्चन लिया है एक एग्जाम्पल के रूप में हमने क्वेश्चन लिया है इस क्वेश्चन को हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे और आपको साधारण मापनी का क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी यहां पर आपको समझ में आ जाएगा देखो क्वेश्चन आपको दिया गया है निरूपक भिन्न एक बटा पचास हजार निरूपक पचास निरूपक, भीन। निरूपक भीन को हम किस तरह करते आर एफ से रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ठीक है एक बटा पचास हजार निरूपक भिन्न के आधार पर के आधार पर एक सरल मापनी यहां पर सरल मापनी बोल दी साधारण मापनी सरल मापनी बात एक ही है सरल मापनी बनाओ जिसके द्वारा किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर में माप लिया जा सके किलोमीटर और हेक्टामीटर किलोमीटर और हेक्टामीटर तो आपको पता आना चाहिए एक किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं दस आपको पता है एक किलो किलोमीटर और हेक्टाटर एक किलोमीटर में कितने होते हैं दस तो किलोमीटर और हेक्टाटर क्या लिया जा सके इस पर एक माप पाँच किलोमीटर और पाँच हेक्टोमीटर को दिखाओ जो आप स्केल बनाओगे जो आप स्केल बनाओगे उस पर आपको पाँच किलोमीटर और पाँच हेक्टोमीटर दिखाना है उस स्केल पर आपको पाँच किलोमीटर और पाँच हेक्टोमीटर दिखाना है ठीक अब देखो अब मैं इसको रब कर देता हूँ और क्वेश्चन को शुरू करते हैं ठीक है थीक? इसको मैं बाद में रब करूंगा पहले देखो किसी भी किसी भी स्केल के क्वेश्चन में यहां पर समझिए स्केल आप क्या बना रहे हैं स्केल बना रहे हैं क्या बना रहे स्केल किसी भी स्केल के क्वेश्चन में आपको क्या क्या चाहिए यह क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या चाहिए एक तो आपको चाहिए आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या चाहिए सबसे पहले आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन ठीक है एक आपको चाहिए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ ये चाहिए एक तो आर एफ चाहिए एक आपको मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ चाहिए आर एफ आप निकालते हो आर एफ कभी कभी ना डायरेक्ट ऐसे नहीं देता आपको डायरेक्ट ना उसकी वास्तविक लंबाई और वास्तविक लंबाई और ड्राइंग सीट की माप दे देता है तो वो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे तो वो दोनों चीज हमने इसमें कवर कर दी आरएफ में एक आपको चाहिए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ यानी कि कितनी आप दिखा सकते हो या कितनी आप माप सकते हो कितनी आप माप सकते हो तो यहां पर उन्होंने दिखाने के लिए दे दी तो हम इसको मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ में कन्वर्ट कर देंगे वो चीजें ये ना धीरे धीरे में सारी चीज आपकी कवर कर दूंगा ठीक है एक आपको चाहिए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ ठीक अब इन दोनों से आप क्या निकालते हो इन दोनों से आप क्या निकालते हो लेंथ ऑफ स्केल इन दोनों से आप क्या निकालते हो लेंथ ऑफ स्केल इन दोनों से आप निकालते हो लेंथ ऑफ स्केल अब देखो यहां पर आपको आरएफ ऑलरेडी दे दी गई है यहां पर आपको आरएफ ऑलरेडी दे दी गई है वन अपॉन पचास हजार ठीक है ये दे दी गई है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ दी नहीं गई है बट आप निकाल सकते हो कैसे यहां पर देखो इस पर माप पांच किलोमीटर पांच हेक्टोमीटर दिखाओ

लेंथ ऑफ़ स्केल को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं एल ओ एस इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला है इसका इसका फॉर्मूला है आर एफ मल्टीप्लाई आर एफ मल्टीप्लाई मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ ठीक है अब देखो आर एफ आपके पास कितनी है आर है आपके पास वन अपॉन पचास हजार और मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लैंथ आपने निकाल ली यहां से पांच किलोमीटर पांच एक्टाटर के बाद क्या आएगा छ किलोमीटर आपको एग्जैक्ट एक पॉइंट वो लेना है नंबर ठीक है ना कि पांच किलोमीटर पांच एक्टा आपको मैक्सिमम मानना है इसके बाद जो नंबर आएगा वो लेना है तो छ किलोमीटर आया तो छ किलोमीटर अब आपको इसको किसमें बदलना है किलोमीटर को सेंटीमीटर में वन किलोमीटर को आपको किसे बदलना है सेंटीमीटर में आप जानते हो एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं एक हजार मीटर एक हजार मीटर ठीक है एक हजार मीटर और एक मीटर में मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं मल्टीप्लाई हंड्रेड सेंटीमीटर तो आप बोल सकते हो एक किलोमीटर में कितने एक हजार मल्टीप्लाई हंड्रेड क्या हैं सेंटीमीटर तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हो किलोमीटर की जगह किलोमीटर की जगह आप क्या कर सकते हो एक हजार मीटर और सौ सेंटीमीटर ये अब आप डिवाइड कर दो तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल एक जीरो से एक जीरो कैंसिल तो आपके पास क्या बचा एक बट्टा पांच बटे सिक्सटी ये बचा और यहां से इसको डिवाइड कर दो बारह पंजे कितने होते हैं साठ तो बारह सेंटीमीटर आ गया आपके पास एल ओ एस यानी के लेंथ ऑफ स्केल कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर सेंटीमीटर ठीक है तो 12 सेंटीमीटर आ गया अब आप करेंगे क्वेश्चन को सोल्व ये आपको पहले सोल्व करना है ये आपको पहले सोल्व करना है अब स्केल करेंगे हम अब देखो स्केल कैसे बनाएंगे मैं इसको रफ कर देता हूं ठीक है नोट करते जाना हर एक पॉइंट नोट करते जाना मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सा सारी चीजें कवर करता चलूंगा एक एक टॉपिक को हम बिल्कुल आसान आसान से कवर करेंगे और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं आपके जितने भी साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हम यहाँ पर सभी कवर करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे हम कवर करेंगे आपके चाहे यूपी के हो चाहे उत्तराखंड के हो ऑल टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कवर करेंगे ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर अब आपको क्या करना है लेंथ ऑफ स्केल आई आपकी बारह सेंटीमीटर कितनी आई है बारह सेंटीमीटर अब देखिए बारह सेंटीमीटर हम कैसे लेंगे ठीक ये आपका मिनी ड्राफ्टर है ये आपका क्या है मिनी ड्राफ्टर मिनी ड्राफ्टर को सबसे पहला आपका क्या क्या काम होता है आपका जो आपकी जो ड्राइंग सीट होगी उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिए आपकी जो ड्राइंग सीट होगी उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिए ठीक है मैंने मिनी ड्राफ्टर को सेट कर लिया अब मिनी ड्राफ्टर को आपको सेट करने के बाद अपनी ड्रॉइंग सीट के अकॉर्डिंग अब यहां पर क्या आपका बारह सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल यानी कि इसके लिए क्या आपकी स्केल तो इस स्केल की लेंथ निकालनी होती है ये एल ओ एस होती है इस स्केल की लेंथ तो ये आपने निकाली ये आपके पास कितना आया बारह सेंटीमीटर तो ये आपके पास आया बारह सेंटीमीटर तो बारह सेंटीमीटर आप यहाँ पर ऐसे ड्रो करेंगे ये आप क्या ड्रो करेंगे बारह सेंटीमीटर ऐसे ड्रो करेंगे क्या ड्रॉ किया बारह सेंटीमीटर आपने ऐसे ड्रॉ किया ठीक अब आपको साथ के साथ क्या कर लेना है वन सेंटीमीटर ऊपर चलना है कितना वन सेंटीमीटर ऊपर चल के ये एक पूरा बॉक्स कंप्लीट कर लेना है ये पूरा बॉक्स कंप्लीट कर लेना है ठीक है तो ये आपने यहां पर कंप्लीट किया ऐसे पहले ऑलरेडी ये काम कर लेना है आपको ये काम आपने कर लिया अब आपको क्या करना है स्केल को कोई भी एंगल ले लीजिए नब्बे डिग्री से कम स्केल में कोई भी एंगल ले लीजिए जो नब्बे डिग्री से कम हो तो ये मैंने एक एंगल लिया और यहां से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करनी है एक लाइन ऐसा ड्रॉ करनी है ठीक है अब इस लाइन के इतने भाग करने हैं जितने मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ आपकी ठीक है यहीं से सारी चीजें निकलेगी अब इस लाइन को इतने पार्ट इतने इक्वल पार्ट कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है जितनी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ जो आप पहली लाइन ये ड्रॉ करोगे इस लाइन के इतने भागों में डिवाइड करो कि जितनी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ होगी और वो भी पार्ट क्या होना चाहिए इक्वल पार्ट होनी चाहिए अब देखो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ कितनी आपकी सिक्स किलोमीटर तो हम यहाँ पर हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं एज्यूम मतलब होता है मानना हमने माना कि एक भाग एक भाग यानी कि पार्ट इज इक्वल टू वन किलोमीटर के तो छः भाग इज इक्वल टू छ किलोमीटर के होंगे तो मैं इस लाइन पर इक्वल कितने भागों में डिवाइड कर दूंगा छह भागों में डिवाइड कर दूंगा इस लाइन को मैं इक्वल छह भागों में डिवाइड कर दूंगा ठीक है अब मेरे को क्या करना है मुझे कंपस लेना है कंपस में कोई कोई भी डिस्टेंस ले लो और कंपस को यहां पर रखिए और आर्क चाप ऐसे मारते जाइए कितने चाप मारने छ आपने कंपस में कोई भी डिस्टेंस ले ली है कंपस लेना है कंपस में कोई भी डिस्टेंस ले लेनी है और छह भागों में डिवाइड कर देना है जैसे देखो मैं कंपस नहीं ले रहा हूं और मैं क्या किया मैंने क्या किया यहां से चार चार सेंटीमीटर इक्वल चार चार सेंटीमीटर पर पॉइंट मार रहा हूँ एक पॉइंट हो गया चार सेंटीमीटर का एक पॉइंट ये हो गया चार सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ये हो गया चार सेंटीमीटर पर ठीक है और एक पॉइंट ये हो गया चार सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ये हो गया चार सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ये हो गया चार सेंटीमीटर पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टोटल चार चार सेंटीमीटर इक्वल चार चार सेंटीमीटर पर ऐसे पॉइंट मैंने मार्क किए तो ये एक तरीके से आर्क मान लो अब जो आखिरी का पॉइंट है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब जो ये लास्ट का पॉइंट है इस लास्ट कॉर्नर पर मिलाइए अब आपको क्या करना है स्केल को लूज करना है और इस पॉइंट को इसके साथ ऐसे मिलाइए इस पॉइंट को इसके साथ ऐसे मिलाइए ऐसे मिलाने आए और स्केल को टाइट कर लेना है ऐसे मिला के स्केल को टाइट कर लेना है और यहाँ पर इसको ऐसे ऊपर उठाइए अब सेम ऐसे ही इस पॉइंट पर आइए इसको भी ऊपर ऐसे लेकर जाना है सेम ऐसे इस पॉइंट पर आइए इसको भी ऐसे ऊपर लेकर जाना है सेम ऐसे ही इस पॉइंट पर आइए इसको भी ऐसे ऊपर लेकर जाइए अब स्केल को कीजिए जीरो पर सेट अब स्केल को आपको किस पर सेट कर लेना है जीरो पर ठीक है स्केल को आपने जीरो पर सेट किया ठीक है यानी कि जो आपने स्केल बनाई थी वहां पर सेट कर लेना है और इन पॉइंटों को डायरेक्ट ऊपर ऐसे उठा दो इन पॉइंटों को डायरेक्ट ऊपर ऐसे उठा दो ऐसे ऊपर उठाइए ऐसे ऊपर उठा उठाइए अब देखो इसको मानिए जीरो स्टार्टिंग में जीरो मानेंगे फिर वन टू थ्री फोर फाइव और ये क्या है किलोमीटर क्या है किलोमीटर ठीक है टोटल कितना हो गया अब देखो एक भाग कितने किलोमीटर का है एक भाग कितने किलोमीटर का है वन किलोमीटर का है एक भाग वन किलोमीटर का तो ये एक भाग है ये एक भाग है एक दो तीन चार पाँच छ तो टोटल कितने किलोमीटर हो गया छ किलोमीटर एक भाग एक किलोमीटर का तो भाग छ किलोमीटर के ठीक है तो कितने हो गए टोटल छे किलोमीटर हो गया छे किलोमीटर हो गया अब देखिए हम जानते हैं हमें हेक्टरमीटर प्रदर्शित करना है हम जानते हैं वन किलोमीटर वन किलोमीटर इज कर्न टू टेन हेक्टोमीटर क्या हेक्टोमीटर कि एक किलोमीटर में दस हेक्टोमीटर होते हैं अब ये भाग एक किलोमीटर का है ये भाग एक किलोमीटर का है तो इसको मैं इक्वल दस भागों में डिवाइड कर दूं इस पार्ट को मैं इक्वल दस भागों में डिवाइड कर दूं कैसे करेंगे यहां पर आइए अब आपको क्या करना है स्केल को किसी भी एक एंगल पर लीजिए मैंने ये कोई एंगल लिया और यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी अब कंपस में आपको दूरी लेनी है दो दो सेंटीमीटर पर मैंने पॉइंट मार्क किए कितने दो दो सेंटीमीटर पर मैं ऐसे पॉइंट मार्क करता हुआ जा रहा हूं दो दो सेंटीमीटर पर मैं पॉइंट ऐसे मार्क करता हुआ जा रहा हूं तो दो दो सेंटीमीटर पर ऐसे मैंने पॉइंट मार्क किए 2 -2 दो दो सेंटीमीटर पर ऐसे मैंने पॉइंट मार किए तो टोटल देखो कितने पॉइंट हो हो गए? गए। तो टोटल अब ये लास्ट पॉइंट को इस जीरो के पॉइंट पर मिलाइए अब इस लाइट लास्ट पॉइंट को इस जीरो के पॉइंट पर मिलाइए तो मैं मिला देता हूं मैंने क्या किया इस लास्ट पॉइंट को जीरो पर मिलाया तो स्केल को ऐसे सेट कीजिए इसके साथ इसके साथ ऐसे सेट कीजिए और फिक्स कर दीजिए किसके इस्कोल को टाइट कर दीजिए इसके अलावा आपने टाइट किया और ये पॉइंट आप ऊपर लेकर गए ये इसके साथ आपने मिलाया फिर इससे अगला पॉइंट ऐसे ही बस आप डायरेक्ट ऐसे उठाते जाइए और इनको ड्रॉ करते जाइए ये यहाँ पर फिर इससे अगला पॉइंट लीजिए ऐसे ड्रॉ करते जाइए फिर इससे अगला पॉइंट लीजिए इसको आगे लेकर जाइए फिर इस अगला पॉइंट लीजिए इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए फिर इससे अगला पॉइंट लिया आपने इसको ऐसे ड्रा किया फिर नेक्स्ट पॉइंट लिया इसको ऐसे ड्रॉ किया फिर नेक्स्ट पॉइंट लीजिए इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए नेक्स्ट पॉइंट लीजिए इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए और फिर नेक्स्ट लीजिए और इसको यहाँ अब स्केल को सेट कर लीजिए जिससे आपने ही बनाई थी इसके साथ ठीक है इसके साथ शो कीजिए और इनको डायरेक्ट वर्टिकल ऐसे ऊपर उठाइए वर्टिकल इन पॉइंटों का ऐसे ऊपर उठाइए वर्टिकल इन पॉइंटों का ऐसे ऊपर उठाइए वर्टिकल इन पॉइंटों को कैसे उठाना आपको ऐसे ऊपर लेकर जाइए तो आप ऐसे ऊपर इनको लेकर गए ऐसे ऊपर आप इनको लेकर गए अब 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 ये ये लास्ट लास्ट था था, आपका, ठीक? आपको, आपको आप क्या करना है आपको सो क्या करना है आपको करना है पांच किलोमीटर और पांच हेक्टोमीटर देखो ये तो हो गया किलोमीटर और इधर हो गया आपका हेक्टोमीटर इसमें क्या है तो आप किलोमीटर ऐसे हेक्टोमीटर ऐसे पढ़ेंगे देखो जीरो जीरो के बाद जीरो

पॉइंट ऊपर लेने के बाद इसको ड्रो करिए ऐसे इसको ड्रॉ करिए ऐसे और ड्रॉ करते ही यहां पर इसको सो कर दीजिए यहां पर इसको सो कर दीजिए और सो करके आपको क्या लिखना है पांच किलोमीटर इसके ऊपर लिखना है पांच किलोमीटर और पांच हेक्टोमीटर हेक्टोमीटर पांच किलोमीटर और पांच हेक्टोमीटर ठीक आपने किस आर एफ पर बनाया इसको वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है किस आर एफ पर बनाया एक बटा पचास हजार तो इसके ऊपर यहां पर लिखिए आर एफ आर एफ एक बटा पचास हजार आपने इस आर एफ पर ये एक साधारण मापनी बनाई है ये आपने क्या बनाई है सरल स्केल सरल मापनी ये आपने क्या बनाई है साधारण मापनी ठीक है ये आपने क्या बनाई साधारण मापनी तो अगर आपको सिंपल स्केल बनाने के लिए आएगी अगर आपको सिंपल स्केल बनाने के लिए आएगी तो आपको उसमें शो करके दिखाना है आपको कितना मापना था यहां पर देखो माप सकते हैं या दिखा सकते हैं कितना दिखाना था पांच किलोमीटर पांच हेक्टोमीटर तो हमने यहां पर दिखाया पांच किलोमीटर और पांच हेक्टोमीटर हमने यहां पर शो करके दिखाया किसमें सरल स्केल में तो आपको अगर सिंपल स्केल बनाने के लिए आएगी तो सिंपल स्केल आप इस तरीके से बनाएंगे ठीक है तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो हम क्वेश्चन आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर जितने भी आपके स्केल के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम आपको कराएंगे सिंपल स्केल से रिलेटेड और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सिंपल स्केल से रिलेटेड वो भी हम यहां पर आपको कवर कराएंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं लेक्चर के साथ में ओके थैंक यू